हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे चना दाल। बहुत ही सिंपल, कम मसालों में बहुत स्वादिष्ट दाल बनने वाली है। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। ये देखिए, यहाँ मैंने एक वाटी चने की दाल ली है। इसे भिगोकर, आधा घंटा भिगोकर रख दिया था, और धो लेंगे अच्छी तरह से पानी से। फिर इसमें दो टमाटर, बड़े टमाटर कट करके ऐड करेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा प्याज और तीन चार हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे, एक चम्मच रॉक सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ले लेंगे। कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह मिक्स करके आधा गिलास पानी और ऐड कर देते हैं। मैंने टोटल एक गिलास पानी ऐड किया है, और इसे तीन विजल्स ले लेंगे। और इसका प्रेशर अपने आप ही निकलने देंगे। फिर प्रेशर अपने आप निकलने के बाद मैंने ओपन किया है। ये देखिए, दाल पूरी तरह से कुक हो गई है। अभी इसे मिक्सर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, दाल अच्छी तरह से घुट गई है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अभी इसमें दूधी ऐड कर देंगे, जो मैंने पहले से कट करके रखी थी दूधी। ये पाव किलो के करीब है। और इसमें अब इसमें एक ही विजल्स लेंगे। और यहाँ पर हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसे हम घी में बघार देंगे। घी का बघार बहुत ही अच्छा लगता है दाल में। और मैंने 10 से 12 कली ली है लहसुन की कलियाँ, उसे क्रश करके ऐड करेंगे। और आधा प्याज भी ऐड कर देंगे, एक छोटा चम्मच जीरा लेंगे, दो सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिया है। एक चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है कूटा हुआ, आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक सेकंड मिलाकर तड़का दे देंगे, दाल मिक्स कर देंगे, और दाल को फौरन ढककर रख देंगे ताकि खुशबू बाहर ना जाए। बस अब दाल में थोड़ी कोथमीर ऐड कर देना है कट करके। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप इसे राइस और चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।